नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुख करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। लोधी समाज के नेता डॉक्टर आरपी ने डलवाई सपा को वोट। जनपद मैनपुरी में लोकसभा चुनाव का बड़ी तेजी से मतदान किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी तथा बीजेपी के लोगों में कुछ जगह छुटपुट घटनाओं को देखा गया। इसी कारण डिम्पल यादव ने खुद बूथों का दौरा किया। दौरान मतदान प्रक्रिया में ठाकुर जयवीर सिंह के समर्थकों का कहना है कि बीजेपी बहुत भारी मतों से जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तोताराम यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार डिम्पल यादव भारी मतों से जीत हासिल कर रही है, लेकिन इस मतदान से पहले समाजवादी पार्टी के डॉक्टर आरपी सिंह वरिष्ठ नेता ने अपने साथियों के साथ गांव-गांव जाकर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव के लिए वोट मांगी तथा घर से निकालकर उनका वोट बूथ तक पहुंचाने का कार्य किया। यही नहीं, उन्होंने क्षेत्र में विकास कराने का जनता को भरोसा भी दिलाया है। इस बार डिम्पल यादव की करीब 4 लाख मतों से जीत बताई। आरपी सिंह ने पिछले उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी के लिए लोधी समाज के खाते में वोट डालने में सफल रही है। इसी बात को लेकर लोकसभा के चुनाव में भी डॉक्टर आरपी सिंह ने डिम्पल यादव को जिताने में जी जान लगाकर मेहनत की है। अब देखना यह है कि इस मेहनत का फल कितना मिलता है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।